हमने इसको 36 रुपये फी किलो और 100 केजी के बोरी जो है 3600 पे लाए, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं करते ये रेट 10 साल के लिए होगा या ये रेट जो है जून तक होगा। जब तक आईनी सूबा में शामिल नहीं करते हम एनएफसी के जो हमारा फिगर हमें बनता है उसको एजेके के तरह हमें फिक्स करें। 45 दिनों के अंदर तमाम जीबी के हमारे जो कोलेशन पार्टियां थे या अहले सुन्नत की तंजीम था, इंजमन इमामिया, बाजार के तंजीमें, तमाम लोगों से मिल के उनका राय हमें मिला है। आज हम इस स्टेज पे आ गया कि 80% लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा रेट बढ़ना इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन क्वांटिटी जो कमी है हमें जो गंदुम पे कर लगा है, गंदुम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को जो इनके ज़रूरत के मकदार यहाँ पे मिलना चाहे। मेरे साथ कोलेशन पार्टियाँ हैं, इन सब के मशवरे से हम इस नतीजे पे आए हैं। और 1972 से 2002 तक जो वफाक में रेट बढ़ता था सपोर्ट रेट वो यहाँ पे भी बढ़ता गया। 2002 से 2009 तक इसी दौरान रेट अपने जगह पे बरकरार रहा है और उस वक़्त हमारा सूबा जो है वफाक के साथ था, हमें सूबाई सेटअप नहीं दिया गया था। मैं बोरियों से ला के सब्सिडी पैसों में 6 अरब में फिक्स किया और नून के 2 साल 3 साल 6 अरब में हमें उस वक़्त के रेट के हिसाब से मिलता था, लेकिन जो ही रेट बढ़ गया तो इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, गंदुम में कट लगाए। हमें 17 लाख बोरियों से ला के पिछले साल हमें 12 लाख बोरी बड़ी मुश्किल से मिला। रेट का मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बाद में नहीं बढ़ेगा, हालात के मुताबिक उस वक्त चूँकि साबिका हुकूमत ने भी ये फैसला किया था कि हर 6 माह बाद 700 रुपये बढ़ाएंगे, वो फैसला पहले कैबिनेट से भी हुआ था और असम्बली से भी वो फैसला हो चुका था। तो सिकरदू में हमने फैसला किया, एक उसूली फैसला किया कि वफाक का 2 चीज़ों का डिमांड था हमारे ऊपर। एक तो ये है कि आप ये जो रेट है इसको 70% तक लेके आना है, दूसरा ये है कि इसको सब्सिडाइज करें सर, इसको ना टारगेटेड करें। हमने 5200 से कम 1600 कम करके 3600 पे फैसला किया है और यकुम जनवरी से हम 3600 रुपये के साथ 7 किलो फी नफरी गंदुम भी देंगे। अंजुमन इमामिया का, अहले सुन्नत वल जमात का, जमात इस्लामी का, एक्शन कमेटी के मेम्बरान का, जिदा के अमाइदीन का, दियामर और बल्तिस्तान के, इवन बल्तिस्तान डिवीजन के बहुत सारे अमाइदीन का कि उन्होंने अपना उन्होंने आवाम की नुमाइंदगी की।